अजी जो है देश के लिए अच्छा है, एक सम्मान होता है, परेड होते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो इन्होंने किया है वो आपको बुला के आपको शायद मालूम नहीं होगा कि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो 80 साल से लेके और 35 साल तक जो सैनिक था वो आए ऐसा काम बहुत ही सराहनीय है, वेरी क्रेडिटेबल एंड इट मस्ट कंटिन्यू लाइक मैडम जो हमने किया है दैट इज लॉन्ग गॉन बॉयज आर डूइंग इट नाउ आपको कारगिल के बारे में मालूम है आपको कश्मीर के बारे में मालूम है आपको पुलवामा के बारे में मालूम है और आए दिन कुछ ना कुछ मैं नौसेना से बिलोंग करता हूँ आजकल आपको शायद नहीं मालूम पर नौसेना जो है भारतीय नौसेना का बेड़ा जो है इस वक्त अरेबियन सी में तैनात करीब 120 जहाज इस वक्त अरेबियन सी में नाम निशान नाम और नाम नमक और निशान नाम नमक और निशान इन तीन चीजों को लेकर सोल्जर जो है युद्ध में जाता है और इन तीन चीजों को के लिए सोल्जर अपने आप को निछावर करता है हिंदुस्तान भारत जिस भी नाम से आप बुला लें एक 5 करोड़ साल पहले एक लैंड मास था जो गोंडवाना लैंड से टूट कर नॉर्थ में एशिया की प्लेट से मिला वो लैंड जो गोंडवाना लैंड से टूट कर एशिया प्लेट पर मिला वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि एक नाम एक निशान और एक नमक हमारा हक है इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि इस बात को सामने लाए और इसका इसको इंप्लीमेंट करेगा वो देश में हर समय प्रिय हो तो क्या कहना चाहिए कहाँ से इंस्पिरेशन मिला और थोड़ा सा बताइए कि जो यहाँ पे आर्मी मैन आए थे उनको कितना प्राउड फील हुआ आपको अवार्ड देके या फिर उनको सम्मानित करके हमारे प्रधानमंत्री 370 लगा हमें भी कुछ करना चाहिए क्या करें दो दिन बाद 17 अगस्त को हमने रखा उसकी एक सैनिकों का सम्मान और वरिष्ठ है तीन तीन युद्ध में लड़े हुए लोग हैं सात दिन मानव प्राप्त इस प्रेरणा से हमने ये सम्मान किया उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया है कि आज तक वो कभी किसी ने नहीं किया इसलिए हमको ऐसे लग रहा है कि लोग इस तरह से उत्साहित हो और इसी तरह लोग जुड़े रहे इनसे भाई साहब बस ये मेरी शुभकामना है राम सर जिस तरह से आप बहुत सारे अवार्ड्स के लिए प्रोग्राम करते हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग सोच के साथ तो ये सब आप किस तरह से सोच रखते हैं क्योंकि कभी किसी और प्लेटफॉर्म के लोगों को आप सम्मानित करते हैं कभी किसी और तो ये इतने सारे आइडियाज आप कैसे लेकर बस भाव है लोगों का सम्मान करना और लोग आगे बढ़ते हैं लोग जुड़ते हैं और अभी 28 तारीख को तो बड़ा अवार्ड आपको मालूम है सैटरडे NGO का है सारे हमारे कृष्णा सारे NGO के साथ जुड़ना अच्छा भाव देखिए एक बहुत हिंदी की कहावत है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड मोर तो हमकी हमारी जो ट्रेनिंग होती है जहाँ से मैं हुआ हूँ नेशनल डिफेंस अकेडमी से
वो इतनी टफ होती है कि इट मेक्स अ मैन आउट ऑफ अ बॉय. व्हेन यू एंटर द एकेडमी यू आर 16 इयर्स ओल्ड, व्हेन यू कम आउट यू आर 19 इयर्स ओल्ड, बट योर ट्रेनिंग इज सो गुड सो टफ दैट यू कैन फेस द वर्ल्ड. सो व्हेन यू से विल फेस द वर्ल्ड दैट मींस यू कैन फेस द एनिमी. So we were fortunate enough that we took part in 71 war and we were trained to fight. And thereafter, whenever the call was made for us to come up to protect our citizens, to protect our property, to protect our assets, we were there on the forefront. I have been in the submarine now for 22 years and have served in the submarine. I was also fortunate enough to take one yacht, INSV Samudra, around the world in 1988-89. I was a skipper for which I was awarded the Gallantry Award. After retirement in 96, I joined the Navy Foundation as a Honorary Secretary, which I am there. Okay? Yes. Don't forget Naam Namakar Nishan. Yes. आपके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. आप एक्स सर्विस मैन, मुंबई एक्स सर्विस मैन के प्रेसिडेंट हैं. इनके अंडर में जो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं 5000 से भी ज़्यादा जो जुड़े हुए हैं. और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैंने फ़ोन किया था. मैंने कहा सर मुझे कुछ सैनिकों का सम्मान करना है जो सेवानिवृत्त है, जिन्होंने देश के लिए सेवा किया है. उन्होंने हंसते हुए मेरे आवेदन निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में आप लोग जो प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठा रहे हो. इन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया. हमारे साथ में है एनएससी कमांडो रमेश गुसावी, जो 26/11 का हमला हुआ था उसमें स्वयं ही थे, वहाँ मौजूद थे देश की रक्षा करने के लिए. तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम मेरे पास श्री बीबी मिस्त्री जी ने भेजा और कहा कि हम ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने जो वॉरियर्स हैं उनको भेजेंगे. और पूरा संचालन भी इन्होंने किया, उनका सम्मान भी कराया और शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहे. और उन्होंने हमको और प्रोत्साहन देने के लिए आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया है. और इसके पीछे हमारा यही लक्ष्य है कि जो ऐसे लोग जो देश की सेवा करते हैं हम उनको क्यों ना याद करें. हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हम रिटायर हो गए हमें कोई पूछता नहीं. ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके हम लोगों ने सम्मान नहीं दिया बल्कि प्रोत्साहन दिया है हमारे दिलों में आपस में. और ये कार्यक्रम आगामी वर्षों में भी चालू रहेगा और हमारे साथ जुड़े रहेंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ. If you can talk about yourself for the audience. Well, I'm an ex-captain, army veteran. I'm an actress by profession. But then, I shifted to this area after leaving the service. And I found the environment. By nature, I couldn't tolerate all this and I joined a lot of people who were out to do that. So I took the leadership and we created one United Citizens Organization. Then we also floated the Advanced Locality Management Group. And I'm the chairperson now of these groups. So we connect people to save and work. इस तरह का आयोजन है जिसमें मैं आया हूँ. और यहाँ सेना के लोगों को, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, उनके जितने भी पूर्व सैनिक हैं जो कार्यरत हैं, जो रिटायर हो गए हैं या जो नहीं हैं, उनके परिवार को भी सम्मानित किया जा रहा है. ये अद्भुत कार्य है. मैं धन्यवाद करूँगा साक्षात फाउंडेशन को जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया है. और भूषण पुरस्कार करके, सम्मान करके इन्होंने आयोजन किया जिसमें इस तरह का सम्मान है. कई तरह का, साहित्य के लिए भी सम्मान है, कला के लिए भी है.
और देशभक्त के लिए है, तो मातृ सम्मान है। ये बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह का आयोजन हो। अक्सर ये होता है कि हमारे देश में जो आर्मी के जो लोग हैं, सेना के जो लोग हैं, वो जब रिटायर हो जाते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। ये बड़ा अद्भुत कार्य किया है साक्षात फाउंडेशन ने, रामपाल जी और संदीप पांडे ने, और तीन किताबों का विमोचन हुआ है। संदीप कुमार का एक किताब है प्राचीन नृत्य पे, और एक तिवारी जी का किताब है, तीन किताब है। ये देखिए, ये पारंपरिक नृत्य एवं सिनेमा, बड़ा अद्भुत किताब, इस तरह के तीन पुस्तकों का विमोचन हुआ है। और ये भी समाहित है, ये सब एक ही प्रोग्राम में, एक ही आयोजन में सब कुछ समाहित है। ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर, मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा कार्यक्रम होगा, बहुत सारी चीज़ों इन्होंने समेट लिया है, लेकिन बहुत ही सुरक्षित ढंग से, बहुत ही समुचित ढंग से, बहुत ही नियोजित ढंग से इन्होंने ये कार्यक्रम किया, और मुझे बहुत सुंदर लगा। किसी से सम्मान लेना और किसी को ट्रॉफी देना, ये कितना अलग होता है, जिस तरह से मंच पर अभी आप लोगों को सम्मानित कर रहे थे ट्रॉफी लेकर, तो ये कितना अलग एहसास है? मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि मैं अपने देश के सेनानियों को, सेना में जो लोग रहे हैं उनको मेरे हाथ से सम्मान दिया जा रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि कभी मेरे पिताजी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आर्मी में थे, तो वहाँ से जब वॉर खत्म हो गया, बटालियन डिसॉल्व कर दिया गया, फिर सिविल सर्विसेज में आ गए, उन लोगों को ऑफर किया गया कि आप लोग चाहें तो दोबारा आर्मी में आ सकते हैं या सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। मेरे पिताजी सिविल सर्विसेज में गए, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं उसी बैकग्राउंड से, उसी पृष्ठभूमि से हूँ कि मेरे पिताजी आर्मी में थे और मैं आर्मी के लोगों को मेरे हाथों द्वारा सम्मानित करवाया जा रहा है। ये बड़ा अद्भुत बात है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ।